टू स्टाइल विद अस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह वीडियो मिल सके। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको 41 और 42 इंच के ब्लाउज की कटिंग। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कितने आपको शोल्डर रखने हैं और कितने आपको आर्म होल। अगर आपका बैक नेक 1 से 10 इंच है तो आपके कितने शोल्डर होंगे और कितना आर्म होल। तो चलिए शुरू करते हैं। 41 और 42 इंच के लिए मैं अपने शोल्डर रखूंगी 6 इंच, आर्मोल होंगे मेरे 6.5 इंच, बस्ट है मेरी 41 जिसको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया है तो मेरी आएगी 10.5 इंच, वेस्ट मेरी 39 इंच है जिसको मैंने 4 से डिवाइड किया है तो मेरी आई है 9.7 इंच, फुल लेंथ होगी ब्लाउज की 14.5 इंच, स्लीव्स की लेंथ होगी मेरी 5 इंच और स्लीव्स की बॉटम होगी 12 इंच, नेक की चौड़ाई मैं अपनी लूंगी 3 इंच, फ्रंट नेक की डीप में लूंगी 7 इंच और बैक नेक का डीप में लूंगी 7.5 इंच, प्लेट मेरी 10 इंच पे आएगी। जरूरी नहीं आपकी प्लेट भी इस साइज में 10 इंच पे आए, आपकी 10.5 इंच में भी आ सकती है और 11 इंच में भी आ सकती है। इसमें एक चीज और समझा देती हूँ, अगर आपका नेक 1 से 4 इंच डीप होगा तो आपको अपने शोल्डर 15 इंच या 15.5 रखने हैं। अगर आपका बैक नेक 5 से 6 इंच डीप होगा तो आपको अपने शोल्डर 5.75 रखने हैं, या अगर 7 से 8 इंच डीप होगा तो आपको अपने शोल्डर 5.50 रखने हैं। अगर आपका बैक नेक 9 से 10 इंच है तो आपको अपने शोल्डर 5.25 रखने हैं। तो इसी मेजरमेंट से आपको अपने शोल्डर रखने हैं। जैसे जैसे आपका बैक नेक डीप होता जाएगा वैसे वैसे आपके शोल्डर कम होते जाएंगे। तो कुछ कुछ चीजें मैं आपको ड्राफ्टिंग में समझा देती हूँ। जैसे इस साइज में मैं शोल्डर लूंगी 5.5 इंच और आर्म होल मेरी रहेगी 6.5 इंच। जितना हमारा बस साइज होगा उतनी हमारी वेस्ट साइज होगी। जैसे बस साइज है मेरा 10.5 इंच तो वेस्ट साइज भी मेरा 10.5 इंच हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डार्ट डलेगी। इस तरफ मैंने अपनी डार्ट्स का निशान लगा लिया है तो आप इसको नोट कर सकते हो। ये फोल्डेड साइड है, ये ओपन साइड है, ये मेरा फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट को मैं 1/2 इंच कम काटूंगी क्योंकि जब हम फ्रंट पार्ट्स में डार्ट्स डालेंगे तो डार्ट से कपड़ा छोटा हो जाएगा तो जिससे फ्रंट और बैक बराबर हो जाएंगे। तो इसी तरह अब मैं कपड़े में भी ड्राफ्टिंग कर लूंगी। तो चलिए अब इसकी कपड़े कटिंग मैंने कुछ इस तरह फोल्ड कर लिया है। ये ओपन साइड है, वो फोल्डेड साइड है। पहले मैं ब्लाउज की लेंथ ले लूंगी। ब्लाउज की लेंथ मेरी 14.5 इंच है तो मैं यहाँ पे 15 इंच निशान लगा लूंगी। 15 इंच निशान लगाने के बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद 2 इंच में नीचे निशान लगा लूंगी फोल्ड करने के लिए। इस तरह निशान लगाने के बाद ऊपर से अब मैं 6.5 निशान लगाऊंगी। 6.5 निशान लगाने के बाद अब मैं अपना प्लेट का निशान लगाऊंगी। प्लेट है मेरी 10 इंच तो मैं यहाँ पे 10.5 ले लूंगी क्योंकि 1/2 इंच मेरा सिलाई में चल जाएगा। निशान लगाने के बाद यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी जो कि मेरी आई और हुक के लिए होगी। इस तरह ये मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है क्योंकि मेरा कपड़ा ऊपर नीचे था तो मैं इसको निकाल लूंगी तो ये कुछ इस तरह हो जाएगी। और यहाँ पे आई और हुक की पट्टी लगेगी तो ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब मैं यहाँ पे अपना डार्ट का निशान लगाऊंगी इस तरह 3.5। निशान लगाने के बाद अब मैं 2.75 में एक निशान लगा लूंगी। 2.75 इंच निशान लगाने के बाद अब मैं इस लाइन से 2 इंच आगे को लगा लूंगी। इस तरह यहां से मैंने 3.5 इंच लिया है, उसके बाद 2.75 इंच लिया है, उसके बाद 2 इंच निशान लगा लिया है।
अब मैं इन दोनों लाइन का मिड पॉइंट ले लूंगी और यहाँ पे एक निशान लगा लूंगी। अब मैं इन दोनों पॉइंट में एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब मैं अपना बस्ट का निशान लगाऊंगी जो कि मेरी है 10.5। वेस्ट में भी 10.5 इंच लगा लूंगी क्योंकि यहां पे मेरी डार्ट्स आएगी। अब मैं इन दोनों पॉइंट को मिला लूंगी। उसके बाद 2 इंच या 2.5 इंच मार्जिन लगा लूंगी। इस तरह डार्ट का निशान लगाने के बाद अब मैं शोल्डर में निशान लगाऊंगी। शोल्डर में निशान लगाने से पहले आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ, जैसे आपका बैक नेक 7 या 8 इंच डीप हो तो आपको अपने शोल्डर 5.50 रखने हैं, या अगर आपका बैक डीप 9 से 10 इंच हो तो आपको अपने शोल्डर 5.25 रखने हैं। जैसे जैसे आप अपना बैक डीप रखोगे वैसे वैसे आपके शोल्डर कम होते जाएंगे। जैसे आपका बैक नेक 1 से 4 इंच है तो आपके शोल्डर बढ़ते जाएंगे, जैसे 15 इंच हो जाएंगे। तो मैं अपना शोल्डर 5.50 रखूंगी क्योंकि मेरा बैक डीप है 7 से 8 इंच। तो इसी तरह आपको कुर्ती और ब्लाउज में ध्यान रखना है, जैसे जैसे आप बैक डीप करते जाओगे वैसे आपको शोल्डर कम करने हैं। तो चलिए अब मैं शोल्डर का निशान लगा लेती हूँ। जैसे मेरे शोल्डर है 5.50, शोल्डर का निशान लगाने के बाद अब मैं इसमें एक बॉक्स ड्रॉ कर लूंगी। इस तरह बॉक्स ड्रॉ करने के बाद अब मैं नेक की चौड़ाई लूंगी जो कि मेरी है 3 इंच। फ्रंट डीप है मेरा 7 इंच, तो मैं यहां पे निशान लगा लूंगी। निशान लगाने के बाद इसमें एक बॉक्स ड्रॉ कर लूंगी। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद अब मैं इस स्केल की मदद से इसमें नेक ड्रॉ कर लूंगी। इस तरह अब मैं इसी तरह आर्महोल की शेप दे दूंगी। आर्महोल में शेप देने के बाद अब मैं शोल्डर की शेप दे दूंगी 1/2 इंच डाउन। इस तरह लाइन ड्रॉ करने के बाद अब मैं इन पॉइंट्स में लाइन ड्रॉ कर लूंगी। इस डॉट को आर्महोल के राउंड से मिलाना है। तो इस तरह मेरा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। कटिंग करने के बाद इसका बैक पार्ट काटूंगी। ये अनइक्वल कपड़ा था, इसको मैंने साइड कर लिया है। इस तरह मैंने फ्रंट की कटिंग कर ली है, अब मैं बैक की कटिंग करूंगी। बैक की कटिंग करने के लिए फ्रंट पार्ट को मैं इसके ऊपर इस तरह रख दूंगी। जो हमने एक्स्ट्रा प्लेट के लिए कपड़ा लिया था उसको बाहर की तरफ कर दूंगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ये हमारा फ्रंट आर्महोल था, हमें बैक आर्महोल बढ़ा के लेने हैं। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं।
अब मैं यहां से आर्महोल बढ़ा के लूंगी। इस तरह ये हमारा फ्रंट आर्महोल था और मैंने बैक बढ़ा के लिया है। अब हम बैक पार्ट को हाफ इंच कम लेंगे। इस तरह मैंने फ्रंट और बैक की कटिंग कर ली है। अब इन डार्ट्स में कट्स लगाएंगे। इस तरह मैंने कट्स लगा दिए हैं। अब हम बैक पार्ट में डार्ट लगाएंगे। डार्ट के लिए ये सेंटर लाइन को हमें डार्क करना है। अब हम पीछे भी डार्ट दे देंगे इस तरह। थ्री पॉइंट फाइव लेने के बाद यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है और अपने डार्ट का निशान लगा लिया है। तो इसी तरह फ्रंट और बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। कपड़े को मैंने इस तरह फोल्ड फोल्ड कर लिया है। स्लीव्स की लेंथ है मेरी 6 इंच, तो मैं यहाँ पे 6.5 निशान लगा लूंगी। ऊपर से मैं 3.5 निशान लगाऊंगी। फोर्टी वन हमारा साइज है, तो यहां से मैं 8.25 का एक निशान लगा लूंगी मुड्डे का। उसके बाद बॉटम का निशान लगाऊंगी जो कि मेरा है 6.5। उसके बाद यहां से एक शेप दे दूंगी। इस तरह शेप देने के बाद अब मैं यहां से अपना मार्जिन का निशान लगा लूंगी। तो इस तरह मैंने स्लीव्स कंप्लीट कर ली है। अब मैं फ्रंट आर्महोल का निशान लगा लूंगी। तो इस तरह हमारी स्लीव्स भी कंप्लीट हो गई है और हमारा ब्लाउज भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें।